हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको माइक्रेम से गणेशा, फुल बॉडी गणेशा किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। एक्चुअली मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये मुझे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, और सॉरी मैं गणेश चतुर्थी के समय ये नहीं डाल पाई, तो मैं अब डाल रही हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और हाँ, आप सभी को और आपके फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो माइक्रेम गणेशा बनाने के लिए हमें चाहिए माइक्रेम कॉर्ड। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर लिया है। ऐसे हमें तीन बंडल लगेंगे, और मैंने यहाँ पे मीडियम साइज बेल लिए हैं रेड कलर के, और स्क्वायर शेप में रेड कलर के बीट्स, ब्लू कलर में स्क्वायर में बीट्स, और ग्रीन कलर में स्क्वायर बीट्स। और गणेश जी की इयररिंग्स बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह के बीट्स, लंबे और बड़े वाले, इस तरह से दो बेल ग्रीन कलर के और दो बीट्स। और ट्रंक को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लैक कलर के बीट्स। ये बहुत ही छोटे बीट्स हैं। और तिलक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कलर का पिंक कलर का बीट्स लिया है। ऐसे हमें दो बीट्स लगेंगे, या फिर आपके पास अगर ऐसा कोई लंबा बीट्स हो तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पर। और आईज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का बीट्स लिया है। इस तरह से हमें दो बीट्स लगेंगे ब्लैक कलर के। और एक रिंग, ये 1.5 इंच की रिंग है, इस तरह की एक रिंग लगेंगी अपने गणपति जी को हैंग करने के लिए। और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रेम गणेशा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक रिंग, ये 1 इंच की रिंग है इस तरह की। इसमें मैं पहला कॉर्ड डालूंगी जो हमारा 4 मीटर का कॉर्ड है। इसे हाफ कर लिया, इस रिंग के अंदर डाल के ये जो राउंड लूप है इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरह से और एक कॉर्ड लेती हूँ, इसे डबल कर दिया और इसके अंदर इस तरह से। यहाँ पे मैं जितने कॉर्ड गणेशा बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ वो सभी 4 मीटर के कॉर्ड है, और जो एयर के लिए यूज़ करूँगी उसका मेजरमेंट अलग है। अब इसमें सिंपल नॉट लगाते हुए एक कॉलम बना लेंगे। छह नॉट लगाकर इस तरह से ये कॉलम बना लिया है। अब हम इसमें बीट्स डालेंगे। ये जो मिडल वाले जो कॉर्ड है उनमें हम बीट्स डालेंगे। मैंने इस तरह के ग्रीन कलर के बीट्स लिए हैं। फिर यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब फिर से 4 मीटर की कॉर्ड लेंगे
उसे इस तरह से डबल कर लेंगे। और ये जो साइड की कॉर्ड है इसके साइड में रख देंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसे पिन भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमने एक कॉर्ड यहाँ पे लगाई है, दो को साइड में कर देंगे। और इन दोनों के बीच के जो दो कॉर्ड है इनको लेंगे और इसमें भी हम ग्रीन कलर के बीट्स डाल देंगे। और यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा देंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कॉर्ड एक्स्ट्रा एक ऐड की थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम कॉर्ड ऐड करेंगे, फिर बीट्स डाल के नॉट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैंने बीट्स डाला था उसी तरह से मैंने दूसरे साइड में भी बीट्स डाला है। तो दोनों साइड से दो दो कॉर्ड साइड में लेंगे तो हमें बीच में मिल जाते हैं ये चार कॉर्ड। तो इनमें से मिडल वाले जो दो कॉर्ड होते हैं इन्हें लेके इसमें हम फिर से बीट्स डालेंगे। इस टाइम हम इसमें रेड कलर के बीट्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बीट्स हो गया, फिर दो, अब ये मिडल वाला हो गया। तो हम साइड में जैसे कि यहाँ पे हमने कॉर्ड ऐड की थी उसी तरह से एक्स्ट्रा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इस तरह से कॉर्ड ऐड करेंगे। और यहाँ पे साइड में हम फिर से ग्रीन कलर के बीट्स डालेंगे। इस तरह से हम जो गणपति का किरीट है वो बना लेंगे। तो मैंने ये किरीट गणेश जी का बना के लिया है। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ पे दो कॉर्ड डाले थे और ये हमने यहाँ पे कॉलम बनाया, फिर यहाँ पे एक बीट्स डाल के नॉट लगाया था, फिर सेकेंड लाइन में हमने दो कॉर्ड एक साइड में एक और दूसरी साइड में दूसरी इस तरह से अटैच की थी और यहाँ पे दो नॉट लगा लिए थे बीट्स डालते हुए। तीसरे लाइन में हमने जो बीच वाले जो चार कॉर्ड हमें मिलते हैं वहाँ पे बीट्स डाला था, ठीक उसी तरह से साइड में ग्रीन, फिर यहाँ पे दो रेड, फिर साइड में दो ग्रीन, इसी तरह से मैंने बीच में पांच रेड और साइड में दो ग्रीन, इस तरह से सात बीट्स डालने तक मैंने ये लाइन बना ली है। और इस तरह से ये किरीट बन के रेडी है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है ये देखिए, ये जो लास्ट वाली कॉर्ड है इसे हम इस तरह से एक लाइन में रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। यहाँ एक लाइन हमने ये पाइपिंग कर ली है। अब ये जो यहाँ की पाइप सॉरी यहाँ की कॉर्ड जो यहाँ पे आई है इसे हम छोड़ देंगे। और स्टार्टिंग में ये जो दो कॉर्ड है इनमें फिर से बिट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के बिट्स लिए हैं और मैं एक अभी यहाँ पे दो दो बिट्स डाल रही हूँ।
इस तरह से, और ये जो कॉर्ड है इसे हम फिर से टर्न करके इस तरह से लेंगे। और फिर से पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। और उसके आगे फिर से कॉर्ड लेके ही पाइपिंग करेंगे, इसमें बिट्स नहीं डालेंगे, दो कॉर्ड हम ऐसे ही पाइपिंग करेंगे। तो दो कॉर्ड मैंने ऐसे ही पाइपिंग किए हैं, उसके आगे के जो दो कॉर्ड है इसमें हम फिर से बीट्स डालेंगे ब्लू कलर के। तो देखिए इस तरह से ये सारे बिट्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। दो कॉर्ड में बिट्स डाला है, फिर दो कॉर्ड छोड़ दिए, फिर दो कॉर्ड में बिट्स डाला है, इस तरह से ये रनिंग करते हुए ये लास्ट, जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग में एक कॉर्ड हमने टर्न किया था तो उसी तरह यहाँ पे लास्ट में एक कॉर्ड बच गया, तो उसे हमने लास्ट पाइपिंग यहाँ तक एंड की है। अब जो है हमें सिंपल नॉट स्टार्ट करना है, चार कॉर्ड लेके हमें सिंपल नॉट लगाना है। दो नॉट के बीच में एक नॉट लगाना है इस तरह से। अब हमें कॉर्ड कम करते जाना है नॉट लगाते हुए, इस तरह से ट्रायंगल बना लेना है हमें नॉट में। तो देखिए इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है, लेकिन मैंने ये दो नॉट तक ही ट्रायंगल बनाया है, लास्ट नॉट मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि गणेश जी का जो तिलक है वो हमें बनाना है, तो इसलिए ये जो लास्ट में हमने दो नॉट लगाए हैं इनके बीच वाले कॉर्ड को लेके हम इसमें फिर से बीट्स डालेंगे। इस बार मैंने पिंक कलर के बीट्स लिए हैं, ये भी मैंने दो बीट्स लिए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी लंबा बीट्स रेड कलर का या पिंक कलर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से, और अब जो लास्ट वाला हमारा नॉट है वो हम फिर से लगा लेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया, अब हमें गणेश जी की आईज बनानी है, तो उसके लिए थोड़े एडजस्टमेंट करनी होगी हमें। तो देखिए यहाँ का जो लास्ट ये जो चार कॉर्ड है इन्हें लेके हमें एक सिंपल सी यहाँ पे नॉट लगाना है।
क्योंकि आईज का शेप इस तरह से होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे क्योंकि हमारा जो आईज का शेप है वो ठीक तरह से आ जाए। ठीक, इसी तरह से दूसरे साइड पर भी हम एक नॉट लगा लेंगे लास्ट कॉर्ड लेके, चार। अब जो ये हमने जो तिलक बनाया है इसके कॉर्ड जो थे उसे हम छोड़ देंगे। पहले अच्छे से पिन लगा लेंगे। तो ये जो लास्ट कॉर्ड है इसे स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आईज बन चुकी है। अब हम इन कॉर्ड को डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 कॉर्ड है, तो हम इसे 6-6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और जो यहाँ का जो पहला कॉर्ड है और इस साइड से जो आता है पहला कॉर्ड उसे लेंगे, और गणेशा की आईज बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर के बीड्स यूज कर रहे हैं। मेरे पास इस टाइप का अवेलेबल था तो मैं ये यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर मटका शेप में हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर और कुछ टाइप के अगर आपके पास ब्लैक कलर के बीड्स हो तो आप वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो तिलक के नीचे हमने जो नॉट लगाया था उसका साइड वाला कॉर्ड लेंगे और इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे आईज की। तो देखिए इस तरह से ये हमारा एक आईज बन के रेडी है। उसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी आईज बना के रेडी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने गणेश जी की आईज बना ली है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और ये जो साइड वाले दो कॉर्ड है इनको लेके किसी भी एक साइड में हम इसकी पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। मैं इसे फ्लैट ही रखूंगी पूरा, इसे थोड़ा अभी मैं इस तरह से कर्विंग नहीं करूंगी क्योंकि हमें नीचे इसकी इसकी बॉडी बनानी है, तो इसलिए हमें ये जो कॉर्ड है ये लगेगी, तो इसलिए मैंने इसे स्ट्रेट ही रखा है। पूरा
ये जो फेस है इसे पूरा ही मैंने इस तरह से फ्लैट रखा है। तो अब हम ट्रंक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉट लगा लिया है इस तरह से। अब जो है यहाँ से ये आइस का जो नीचे का पोर्शन है इसे लगाकर हम पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। फिर से टर्न कर लेंगे और ये जो हमने फ्लैट रखा है तो अब सेकेंड लाइन में हम इसे थोड़ा कस लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इसे। फिर से पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो हम टर्न करते हैं वो कॉर्ड हमें कम पड़ जाती है क्योंकि हमें ये पूरा सर्कल इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए करना है। तो सबसे ज़्यादा कॉर्ड ये यूज़ होती है। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे। और मैं एक या डेढ़ मीटर और कॉर्ड इसमें ऐड कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डेढ़ मीटर कॉर्ड इसमें और ऐड कर ली है और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। और थोड़े थोड़े करते हुए हम ये जो डिस्टेंस है इसे कम करते जाएंगे। अगर आपको ये ट्रंक और डिटेल में देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे गणेश का सेकेंड जो वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रंक डिटेल में दिखाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ा करते हुए फिर छोटा छोटा करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। और ये जो सेकेंड लाइन है ये थोड़ा गैप है और ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट मर्ज हो चुका है एक दूसरे में। तो अब हम यहाँ पे ये जो राउंड है इसे फिर कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से।
आप ट्रंक चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं, सिर्फ आपको इसी तरह से बनाते हुए आगे जाना है। तो देखिए ट्रंक, अब हम ट्रंक को और डिजाइनिंग बनाने के लिए हम इसमें बिट्स डालेंगे। मैं बिट्स यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको पूरे ट्रंक को डिज़ाइन करना हो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से बीच में भी थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बीच में स्टार्ट करके फुल एंड तक आप इसे कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है छोटा सा ब्लैक कलर का बिट्स। आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप छोटा ही बिट्स यूज़ कीजिए, क्योंकि छोटा बिट्स यूज़ करने से ये जो हमारी डिज़ाइन है वो मतलब अच्छे से दिखेगी है। और अगर आपने यहाँ पे बड़ा बिट्स यूज़ किया तो थोड़ा इसका शेप अलग हो सकता है, इसलिए हम इसे छोटा ही बिट्स यूज करेंगे। एक कॉर्ड सिंगल, ये जो हमारी आड़ी कॉर्ड है इसे छोड़कर जो ये जो अंदर वाले कॉर्ड है इसमें हम बिट्स डालेंगे। तो ट्रंक को और थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह के छोटे बीट्स यूज़ कर रहे हैं। ये ब्लैक बीट्स है छोटा, आप चाहे तो कोई भी यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं, और हो सके तो छोटा ही बीट्स लीजिए, उससे जो हमारी डिज़ाइन है वो ठीक से बनेगी, इसका शेप आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने दो बीट्स डाले हैं, तो मैं यहाँ पे दो कॉर्ड छोड़ दूंगी नीचे वाले, और उसके आगे की जो कॉर्ड है उसे लेके फिर से कंटिन्यू पाइपिंग करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 9 लाइन तक के बीट्स डाले हैं। पहले मैंने 5 लाइन तक के दो दो बीट्स डाले हैं, उसके बाद मैंने 4 लाइन तक एक एक बीट्स डाले हैं। आप चाहे तो ये कंप्लीट भी इस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से कॉर्ड लेके कंटिन्यू करूंगी विदाउट बीट्स। तो देखिए इस तरह से मैंने ये आधी ट्रंक बना ली है। ये जो बीट्स लगाए हैं मैंने, उसके नीचे मैंने 7 लाइन तक पाइपिंग कंप्लीट की है। आप चाहे जितना इसे लंबा या छोटा बड़ा बना सकते हैं। अब जो है इस ट्रंक को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो ये ट्रंक टर्न किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो कॉर्नर है ये फ्रंट साइड है, इस बिट से आपको पता चलेगी ये फ्रंट साइड है। तो ये साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम टाइटली पाइपिंग करेंगे, एकदम टाइटली। यहाँ पे बीच में गैप बिल्कुल नहीं रखना है, इस तरह से एकदम टाइट हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। अब ये जो है ये फ्रंट साइड है, यहाँ से पाइपिंग करेंगे।
अब ये जो फ्रंट साइड है इसकी अपोजिट दूसरी साइड अभी आई है साइड वाली, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने टाइटली नॉट लगाया है, यहाँ पे गैप नहीं रखा है, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप रखेंगे, कॉर्ड को कुछ इस तरह से लेंगे। ट्रंक को टर्न करना एक पेशेंस का काम है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये एक ही बार में टर्न नहीं होगा, जैसे जैसे आप ये राउंड बनाते जाएंगे वो ऑटोमेटिक टर्न होता जाएगा ट्रंक। देखिए यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है थोड़ा थोड़ा, अब ये जो आई है ये बैक साइड आई है, तो बैक साइड में फिर से हम टाइट नॉट लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा गैप को मेंटेन करते हुए फिर से टाइट नॉट की तरफ आ जाएंगे। अब ये फ्रंट की साइड वाली जो बाजू है जहाँ पे हम टाइट नॉट लगाते फिर से वहाँ पे हम आए हैं और फिर से हम यहाँ से टाइट नॉट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइट नॉट लगाए हैं, ऐसे ही हमें बनाना है, ये हमारी फ्रंट साइड है तो हमें इस साइड में टाइटली नॉट लगाना है और इस साइड में गैप रखना है। अगर आप इस तरह से ट्रंक को और थोड़ा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये टर्न हो जाएगी, तो इसी तरह से ट्रंक पूरी बना लेंगे हम। और हाँ, ये जैसे जैसे हम यहाँ पे टाइट और यहाँ पे लूज नॉट लगाते उसी तरह से यहाँ से भी हम एक एक कॉर्ड कम करते हुए इसे टर्न करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा होते हुए ये पतला हो जाएगा इस तरह से, तो इसे अच्छे से शेप आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी ट्रंक बना ली है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से ये ट्रंक, और मैंने इस वीडियो में ट्रंक डिटेल में नहीं बताई है क्योंकि इसका बहुत सारा पोर्शन मुझे बनाना है और एक वीडियो में इतना सब नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इस ट्रंक डिटेल में नहीं दिखाई है। अगर आपको ट्रंक डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे गणेशा 2 वीडियो जो है वहाँ पे मैंने ट्रंक का जो है प्रोसेस और डिटेल में दिखाया है। तो मैंने आपको यहाँ तक तो समझाया था बीट्स डालते हुए, उसके बाद में मैंने थोड़े एक 4-5 लाइन तक मैंने पाइपिंग की, उसके बाद में मैंने एक एक जो कॉर्ड होता है वो छोड़ छोड़ के मैंने ये पाइपिंग की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इस साइड से इसे टाइटली किया है और इस साइड से देखिए गैप है, ऐसे करने से ये ट्रंक इजीली टर्न हो जाती है और ये ऐसे ही रहती है, देखिए ये ऐसे ही टर्न रहती है। और देखिए यहाँ से आगे से मैंने इसी तरह से एक एक कॉर्ड छोड़ छोड़ कर पाइपिंग करते हुए मैंने यहाँ तक में आई, उसके बाद में जो कॉर्ड एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट कर दिया और साइड में मैंने 4-5 कॉर्ड रखे, बाकी सारे कॉर्ड मैंने कट कर दिए और उसे स्टिक किया, और जो 4-5 कॉर्ड बचे थे उनको लेके मैंने फिर से इस पर पाइपिंग की और इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। फिर जो 1-2-3 कॉर्ड बचते हैं उनको मैंने कट करके यहाँ पर जलाकर स्टिक कर दिया है इस तरह से। तो इस तरह से ये इसकी ट्रंक तो हो गई। अब जो है
अब हम गणपति के कान बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो लूप होता है, देखिए यहाँ पे जब हम नॉट लगाते हैं तो इस तरह के लूप बन जाते हैं, तो हमें इसमें कॉर्ड डालने हैं। मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड लिए हैं। इसमें हम जितने भी कॉर्ड डालेंगे वो सारे 1.5 मीटर के हैं। और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। फिर से दो कॉर्ड लेंगे और जो ये ऊपर का लूप है इसमें डाल देंगे। यहाँ पे भी हम नॉट लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे कॉर्ड डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 14 कॉर्ड डाले हैं और सारे कॉर्ड हमारे 1.5 मीटर के हैं। 1.5 मीटर के सारे हमारे कॉर्ड हैं और टोटल कॉर्ड यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कॉर्ड डालने के बाद नॉट लगाया है और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कॉर्ड डालना। और यहाँ पे दो डाले हैं, फिर आईज में एक, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो पाइपिंग है सारे बच्चे कॉर्ड यहाँ पे डाले हैं मैंने। तो इस तरह से ये 14 कॉर्ड मैंने डाले हैं। अब जो है हम इसमें बीट्स डालने हैं, तो जो नॉट है उसके बीच वाली जो कॉर्ड है दो, उसमें हम बीट्स डालेंगे। मैंने इस तरह का बीट्स लिया है। और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से सेकेंड जो नॉट है उसमें बीट्स डालूंगी। तो इस तरह से हमने ये सारे बिट्स लगा लिए हैं और इसके नीचे हमने एक एक नॉट लगा लिया है। अब हमें इस तरह से इस नॉट का ट्रायंगल बनाना है। तो ये जो दो नॉट है इनके बीच वाले
वाले जो चार कॉर्ड है इनको लेके हम फिर से यहाँ पे नॉट लगाएंगे। इसी तरह से चार चार कॉर्ड लेके हम नॉट लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसे ट्रायंगल बना लिया है, लेकिन हम ये लास्ट एक नॉट तक नहीं बनाएंगे। मैंने लास्ट एक दो नॉट तक बनाया है। अब जो है कोई भी एक कॉर्ड लेंगे इस साइड से या इस साइड से और इसके ऊपर पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो शेप है इस तरह से आया है, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट जो नॉट है वो नहीं लगाया है, क्योंकि हमें कुछ सर्कल टाइप में ही इसका शेप चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट नॉट नहीं लगाया है। अब यहाँ से जो हमने कॉर्ड ली थी वो यहाँ तक आ चुकी है, तो अब हम यही कॉर्ड फिर से टर्न करके इस तरह से फिर से पाइपिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये पाइपिंग कंप्लीट की है। अब ये जो हमारी कॉर्ड है इसे फिर से हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है। अभी यही कॉर्ड में फिर से टर्न करके इस तरह से फिर से पाइपिंग करूँगी, और टोटल हमें और तीन बार इसी तरह से पाइपिंग करनी है, इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड मैंने इस तरह से इसमें बीट्स डाल के लिए है, दो दो कॉर्ड में मैंने एक एक बीट्स डाला है। इस तरह से ये मैंने 14 बीट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं और सारे बीट्स इस तरह के हैं। आप यहाँ पे कोई भी बीट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया है, और जो हमने ये जो पाइपिंग की थी उसका जो लास्ट वाला कॉर्ड है इसे ही फिर हम इस तरह से टर्न करके लेंगे और फिर से यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे।
तो इसी तरह से ये पूरी पाइपिंग हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमने बीड्स लगा के पाइपिंग कंप्लीट की है और ये जो हमारे गणेश जी का कान है वो इस तरह से बन के रेडी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है हम इसे कट कर देंगे, 1 इंच के डिस्टेंस पर हमें इसे कट करना है। मैंने सारे कॉर्ड कट कर लिए हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये 2 कॉर्ड रखे हैं नीचे के साइड में। देखिए यहाँ पे ये जो 2 कॉर्ड है इसे हमने रखा है, बाकी सारे कॉर्ड यहाँ पे कट कर दिए हैं। अब जो हमने कॉर्ड कट किए हैं उसे हम पीछे की साइड स्टिक कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है उसी तरह से ये पूरे कॉर्ड हमें स्टिक कर लेने हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो कान बनाया है गणपति जी का, ठीक इसी प्रोसीजर से हमें यहाँ पे दूसरा कान बनाना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों कान बना लिए हैं गणेश जी के। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नीचे 2 कॉर्ड छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे हम बीट्स डाल के एक एक बेल लगा लेंगे ताकि ये कुछ एयर रिंग्स की तरह दिखे। इस तरह के लंबे बीट्स मैंने यूज़ किए हैं और बड़ा बेल ग्रीन कलर का, तो मैंने यहाँ पे इसमें बीट्स डाला है। अब एक कॉर्ड में बेल डालेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्ड कट कर देंगे। और इसे यहाँ पे जलाकर स्टिक कर देंगे। इस तरह से ठीक इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये इयर रिंग्स लगा लिए हैं और ये गणपति हमारा बनके रेडी है। अब हमें इसके लिए बॉडी बनानी है, तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख लेंगे और इसकी बॉडी बना लेंगे।